एस सी वर्मा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का न्यूमेरिकल 9। द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज 1.25 × 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट STP। कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस। तो यहाँ पे जो गैस दिया हुआ है एट STP मतलब टेम्परेचर 273, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर। अब इस केस में हमें डेंसिटी दी है गैस की 1.25 × 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें बोला है कि कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट। तो और एक आइडियल गैस दिया हुआ है। आइडियल गैस का मतलब कि वो गैस जो फॉलो करता है इक्वेशन PV = nRT, इस तरह से आइडियल गैस दिया हुआ है, और हमें मॉलिकुलर वेट फाइंड करना है। तो मॉलिकुलर वेट यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल जो पहले हमने सॉल्व किए थे उसमें मॉलिकुलर वेट आया था एन के इक्वेशन में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपन मॉलिकुलर वेट। तो मॉलिकुलर वेट मिल सकता है अगर हमें एन पता है, लेकिन यहाँ पे एक डेंसिटी की टर्म भी नहीं आ गई है। तो इस गिवन को किस तरह से यूज करना है सिर्फ ये सोचना है। अगर ये समझ में आता है कि डेंसिटी को कहाँ पे यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे ये डेटा टू गेट एन, तो हमें मॉलिकुलर वेट मिल जाएगा। तो पहले PV = n, n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ये होता है मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये हमने यूज किया इक्वेशन कुछ प्रीवियस न्यूमेरिकल में, और ए इंटू आर और ए टी। तो अगर गैस का मास नहीं पता हमें लेकिन यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, तो किस तरह से यूज करेंगे इस इक्वेशन को, तो पी ये वी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा, ये मास है और ये वी यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम, और ये रिमेनिंग टर्म्स आर टी अपॉन मॉलिकुलर वेट एम नॉट से दिखाते, तो ये मिलेगा हमें डेंसिटी, और ये गिवन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्रेशर इज इक्वल टू ये टर्म डेंसिटी मिल गई, और ये आर टी और ये मॉलिकुलर वेट, तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमें ये मॉलिकुलर वेट मिल जाएगा। इसे यहाँ पे लेते हैं, इसे यहाँ पे लेते हैं, तो ये इक्वेशन मिलेगा एम नॉट इज इक्वल टू रो आर टी डिवाइडेड बाई पी। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यू सब दी है यहाँ पे, तो एम इज इक्वल टू रो, रो की वैल्यू कितनी, तो 1.25 × 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। लेकिन अब इस वैल्यू को पहले हम केजी पर मीटर क्यूब इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे STP कंडीशन दी है, मतलब ये प्रेशर 1 एटमोस्फेयर यूज करते हैं तो कैलकुलेशन इजी होगा, लेकिन ये आर की वैल्यू ये प्रेशर 1 एटमोस्फेयर है तो आर की वैल्यू, और ये जो वॉल्यूम होगा वो लीटर में होना चाहिए था, ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बल्कि हम इसे क्या करते ग्राम का केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक सेंटीमीटर मतलब 10⁻², ऐसे 3 बार मतलब -6 इतना मीटर क्यूब होगा। ये होगा केजी और ये होगा मीटर क्यूब, मतलब ये ऊपर गया तो +3 मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और भी इसे तो इसे और भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ये +3 इस -3 के लिए चले जाएंगे, -3 बचेंगे, ऊपर गया तो +3 रहेगा, और ये +3 और ये यहाँ पे कट होगा, तो इतनी डेंसिटी आएगी 1.25 kg per meter cube एम के सिस्टम में ले रहे हैं। तो एक डेंसिटी अगर हम 1.25 kg meter cube लेते हैं तो आर की वैल्यू यहाँ पे 8.314 लेनी पड़ेगी, और टी की वैल्यू 273 डिवाइड बाई पी की वैल्यू। अब पी 1 एटमोस्फेयर दिया है, लेकिन 1 एटमोस्फेयर मतलब कितना, तो 10⁵ पास्कल इतना प्रेशर, तो ये आएगा 10⁵, तो ये आएगा मॉलिकुलर वेट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन, तो एक्चुअली ये प्रीवियस न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन किया ही था, अब फिर से करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन पूरा करेंगे तो 28.37.1, और ये 10⁵ ऊपर चले जाएंगे तो -5,
और इसका ग्राम में करेंगे तो 18^-5, और इसका ग्राम में करेंगे केजी में मिलेगा, ग्राम में करेंगे तो 10^-3 से मल्टीप्लाई करेगा करना पड़ेगा, मतलब 10^-2, मतलब ये मॉलिकुलर वेट मिल रहा है यहाँ पे, ये 2 भी इधर आएगा तो 28.3 ग्राम पर मोल।